स्वागत दोस्तों आज के हमारी एक और व्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों जैसे आप लोग को पता है कि कांवड़ यात्रा बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है और 22 तारीख से अगले महीने में सावन लग जाएगा। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि पूछना चाह रहे हैं कि हमारे बस्ती और अयोध्या में जो कांवड़ यात्रा होती है वो कितने तारीख से स्टार्ट है और हरिद्वार से मेरठ वाली कांवड़ यात्रा कितने तारीख को स्टार्ट है। तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो ये पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा जिससे आप लोग को पूरा सही से समझ में आ सके कौन सी कांवड़ यात्रा कितने तारीख को स्टार्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले जो कांवड़ यात्रा स्टार्ट होती है वो हमारी हरिद्वार से मेरठ वाली स्टार्ट होती है, जो कि आप लोग डेट समझ लीजिएगा जिससे कि अगर आप लोग रोड शो देखने के लिए आएँ तो आप लोग को दिक्कत ना हो। तो कुछ ऐसा है कि 19 तारीख से 22 तारीख तक सभी की गाड़ियाँ हरिद्वार में पहुँच जाती हैं और 22 तारीख से 23-24 तक वो लोग अपनी गाड़ी सेट करते हैं, जो कि वहाँ पर वेल्डिंग का काम हो गया और अपना सेटअप लगाना हो गया। तो वो लोग 24 तक अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं और 25 को वहाँ पर टेस्टिंग लग जाती है। और एक चीज़ और दोस्तों, कुछ लोगों की गाड़ी 25 तारीख को निकल भी जाती है। तो 25 तारीख और 26 तारीख को गाड़ियाँ निकल जाएंगी। तो अगर आप लोग को सेटअप लोडिंग होते हुए देखना है तो आप लोग वहाँ पर 22 तारीख को पहुँच जाइएगा, 22 और 23 को पहुँचिए आप लोग वहाँ पर, जिससे कि आप लोग लोडिंग भी देख सको और रोड शो 25 तारीख को। तो 25 तारीख को आपका वहाँ पर टेस्टिंग हो जाएगा, जितने डीजे वाले रहेंगे वहाँ पर 25 तारीख को अपनी टेस्टिंग कर लेंगे और कुछ डीजे वाले 24 को भी टेस्टिंग कर लेंगे। तो इस वजह से आप लोग कोशिश कीजिए 22-23 तारीख को वहाँ पर पहुँचने की और 26 तारीख से वहाँ पर सभी का डीजे निकल जाएगा, जो कि 26 चलेगा, 27, 28, 29, 30 और 1, 2। तो वहाँ पर कुल मिला के 7 दिन हो गया, ये आपका 7-8 दिन का रोड शो होगा, जो कि 2 तारीख को जल चढ़ेगा और 2 तारीख का ही जल हमारे अयोध्या से जो बस्ती वाली कांवड़ यात्रा यहाँ पर भी 2 तारीख को जल चढ़ेगा। तो यहाँ का जो रोड शो का डेट है वो आप लोग को मैं बता देता हूँ। यहाँ का रोड शो है आपका 31 तारीख को, सेटअप 29 तारीख को और 30 तारीख को सेटअप पहुँच जाएंगे, 29-30 में सेटअप लगना चालू हो जाएगा, 31 तक सब लोग, 31 नहीं सब लोग 30 को ही रात में अपनी गाड़ी टेस्टिंग कर लेंगे और 31 तारीख को मॉर्निंग में ही निकल लेंगे। 31 चलेंगे, 1 चलेंगे और 2 तारीख का जल चढ़ेगा। तो दोस्तों जो भी भाई कांवड़ यात्रा हमारी अयोध्या से बस्ती वाली अगर रोड शो देखना चाहता है तो लोग कोशिश करें कि 30 तारीख को एकदम अयोध्या पहुंच जाए और 30 तारीख को वहां पर गाड़ी लोडिंग होके और टेस्टिंग भी लग जाएगी, वहां से फिर रोड शो निकल जाएगा, जो कि वहां पर 3 दिन का रोड शो होता है, तीसरे दिन जल चढ़ जाता है। फिर 2 तारीख के बाद जो रोड शो स्टार्ट होगा वो आपका गोरखपुर और कुशीनगर, ये दोनों जगह होगा। और फिर अगर आप लोग शौक़ रखते हैं कि इधर का अमर डीजे और धड़कन डीजे, ये सब डीजे देखने के शौकीन हैं आप लोग, तो आप लोग को जाना पड़ेगा बदायूं साइड जाना पड़ेगा, वहाँ पर रोड शो 4 तारीख के बाद 4 तारीख से स्टार्ट है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट है, क्योंकि इस बार बहुत दूर दूर से यूट्यूबर भाई लोग आना चाह रहे हैं और बहुत भाई आना चाह रहे हैं, कुछ दोस्त हमारे मुंबई से भी आना चाह रहे हैं इस बार मेरठ में रोड शो देखने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन यही है कि अगर आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं, अगर ब्लॉगिंग के पर्पज़ से आ रहे हैं, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आप चाह रहे हैं कि हम शुरू से एक एक चीज़ को कवर करें, तो आप लोग 20 तारीख 21 तारीख को पहुंचिए, जिससे आप लोग को पूरी मतलब कि लोडिंग और सामान आते हुए सब कुछ देखने को मिल जाए। अगर आप लोग ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, सिर्फ डीजे सेटअप टेस्टिंग सुनने के लिए आ रहे हैं और लोडिंग आखिरी देखने के लिए आ रहे हैं, तो आप लोग पहुँचिए 24 तारीख को। 24 तारीख को अगर आप लोग पहुंचेंगे तो 24 आराम से कुछ सेटअप देख लेंगे और कुछ की टेस्टिंग भी आप लोग देख लेंगे और 25 तारीख को तो सभी की टेस्टिंग लगी जाएगी। तो दोस्तों ये है हमारी हरिद्वार से मेरठ वाली अपडेट। और अगर आप दूसरी अपडेट मैंने बता दिए, जो कि फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, अगर अयोध्या वाला रोड शो आप लोग देखना चाह रहे हैं तो अयोध्या वाले के लिए आप लोग को पहुँचना पड़ेगा 30 तारीख को। 30 तारीख को पहुँच जाइएगा, वहाँ पर कुछ सेटअप आप लोग को देखने को मिल जाएंगे लोडिंग होते हुए और टेस्टिंग भी वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। टेस्टिंग के बाद में 31 तारीख को सभी अपना जल लेके चले जाएंगे। इसी हाईवे से जाते हैं सब लोग, जो आपको पता है कि बस्ती वाला हाईवे अयोध्या से बस्ती, इसी से सब लोग जाएंगे। तो ये कुछ अपडेट रही। और दूसरी चीज़ और कि अभी हम लोग के साइड से डीजे वाले कंफर्म नहीं हुए थे, उस चीज़ का भी आज आप लोग को कुछ अपडेट दे देता हूँ भाई। जैसे कि सबको पता है कि अभी डीजे लाइन में मेरठ के साइड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, तो हम लोग के साइड भाई ऐसे ही चल रहा है, माहौल थोड़ा सा गर्म है, क्योंकि राजन भाई का अभी छोटा सा वीडियो आएगा, मैं ऐड कर दूंगा, क्लिप देख लीजिएगा। उन्होंने बोला था ओपन चैलेंज है सभी को, कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल में जो हमारे डीजे बाबा मया बाजार हैं, जेके डीजे मया बाजार पर जो रहते हैं, तो उन्होंने भी अपनी एक वीडियो डाली थी, उसमें उन्हीं के
साथ में रहने वाले कुछ लड़के हैं तो वो भी ओपन चैलेंज कर रहे थे, जो कि अभी मैंने बस्ती पता किया है। तो ये है कि अभी जेके डीजे मया बाजार का सेटअप 100% कंफर्म बुक नहीं हुआ है, और अभी वहाँ पर शिवम टांडा, राजन कटेरी और दबंग डीजे और आपका सुनने में आया इस बार फिर से आरबी डीजे टांडा देखने को मिलेंगे, और बस्ती से ऑलमोस्ट सभी डीजे वहाँ पर रहने वाले, बस्ती के सभी डीजे रहेंगे। तो इस बार कॉम्पिटिशन वहाँ पर बहुत तगड़ा देखने को मिलने वाला है, और अगर बाहर से कोई सेटअप आ रहा है तो इस बार वहाँ से बाहर का सेटअप आ रहा है आपका खलीलाबाद से, न्यू यादव डीजे खलीलाबाद यहाँ पर हो सकता है देखने को मिले अयोध्या से बस्ती वाले रोड शो में। तो दोस्तों ये कुछ इस बार की अपडेट है, और अभी बहुत सारे डीजे सेटअप बुक भी नहीं हुए हैं, जैसे कि हमारे हैप्पी डीजे टांडा की अभी कोई अपडेट नहीं है मार्केट में, अभी शायद उनका डीजे सेटअप बुक नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर कोई भी कमेटी वाला मेंबर ये वीडियो देखता है तो आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनका डीजे बुक कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि उनका मार्केट में परफॉर्मेंस हर साल कुछ अच्छा होता जा रहा है और अभी शायद वो खाली हैं, तो आप लोग उनसे भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी की पूरी अपडेट रही आज की, और ये वीडियो कैसे लगी आप लोग को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।